हेलो स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 7th, वेलकम टू दिस वीडियो। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू ग्रामर ऑफ स्टैंडर्ड 7th, यूनिट नंबर 2, काइंड्स ऑफ नाउंस। काइंड्स ऑफ नाउंस, ए काइंड ऑफ नाउंस, कॉमन, प्रॉपर, एब्स्ट्रैक्ट, कलेक्टिव एंड मटीरियल। फर्स्ट, अ कॉमन नाउन इज अ कॉमन नेम। जो कॉमन नाउन होती है वो एक कॉमन नाम होता है जो हम किसको देते हैं, पर्सन और थिंग्स को, जो कि सेम काइंड के होते हैं। अ कॉमन नाउन इज द कॉमन नेम गिवन टू पर्सन और थिंग्स ऑफ द सेम काइंड। एग्जाम्पल, स्टूडेंट, विलेज, हॉस्पिटल एंड शिप। नाउ सेकेंड, अ प्रॉपर नाउन इज द स्पेशल नेम। एक जो प्रॉपर नाउन होता है वो एक स्पेशल नाम होता है जो हम किसको देते हैं, एक पर्टिकुलर पर्सन और थिंग को देते हैं, और ये हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। एग्जाम्पल, मिस्टर गुप्ता, ताजमहल, जुपिटर एंड स्नोई। नाउ थर्ड, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम गिवन टू ए, किसको नाम देते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्वालिटीज को, फीलिंग को, एक्शन को और स्टेट्स को। फॉर एग्जाम्पल, ऑनेस्टी, लव, एनर्जी एंड चाइल्डहुड, ये स्टेट है। फोर, अ कलेक्टिव नाउन इज द ग्रुप नेम गिवन टू ए कलेक्शन ऑफ पर्सन और थिंग्स। एक जो कलेक्टिव नाउन है वो हम किसी कलेक्शन ऑफ, किसके कलेक्शन को देते हैं, पर्सन और थिंग्स के कलेक्शन को, ग्रुप को एक नाम दे देते हैं। अ कलेक्टिव नाउन इज द ग्रुप नेम गिवन टू अ कलेक्शन ऑफ पर्सन और थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, क्राउड, हर्ड, बंच एंड फ्लीट। ओके, नाउ फाइव, अ मटीरियल नाउन इज द नेम गिवन टू मटीरियल थिंग्स। जो हम मटीरियल थिंग्स को नाम देते हैं, मटीरियल थिंग्स को, सब्सटेंसेस को, आइटम्स को, आइटम्स ऑफ फूड और ड्रिंक के जो आइटम्स होते हैं उनको हम नाम देते हैं। मटीरियल नाउन इज द नेम गिवन टू अ मटीरियल थिंग्स, सब्सटेंसेस और आइटम्स ऑफ फूड और थिंग। फॉर एग्जाम्पल, कॉटन, टी, कॉपर एंड मेज। बी, काउंटेबल नाउन्स, सम नाउन्स नेम थिंग्स दैट कैन बी काउंटेड। ऐसे नाउन्स नेम जिसको हम काउंट कर सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, काउंटेबल और काउंट नाउन्स बोलते हैं। सेकेंड, यू कैन यूज, इससे पहले हम ए और एन का यूज कर सकते हैं काउंटेबल नाउन से पहले। यू कैन यूज ए और एन बिफोर काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स कैन हैव प्लूलर फॉर्म। काउंटेबल नाउन्स हो प्लूलर फॉर्म्स में हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वन मैंगो, वन एक्स, वन मैंगो, एन ऑक्स, थ्री डॉक्टर्स, अ फ्यू कॉइन्स एंड मैनी रिवर्स। नाउ सी, अनकाउंटेबल नाउन्स, सम नाउन नेम थिंग्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, नहीं गिन सकते, वो उनको हम अनकाउंटेबल और नॉन काउंट नाउन्स कहते हैं। यू, इससे पहले आप यू कैन नॉट यूज नहीं कर सकते ए और एन का। थर्ड, अनकाउंटेबल नाउन्स डू नॉट हैव प्लूलर फॉर्म्स, नहीं होती है इसकी। यू कैन, उससे पहले आप मच, अ लिटिल, इनफ एक्सेट्रा, इसका यूज बिफोर अनकाउंटेबल नाउन से पहले करते हैं। यू कैन यूज मच, अ लिटिल, इनफ एक्सेट्रा बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स, जैसे अ लिटिल सॉल्ट, सम लगेज एंड इनफ कॉफी। नाउ ओपन नेक्स्ट पेज, एंड नेक्स्ट पेज इज 6, सी एक्सरसाइज 1। यहाँ पे आपको नाउन्स पिक आउट करने हैं। ये जो दिया हुआ है, ये जो सेंटेंसेस दिए हैं इसमें से नाउन्स पिक आउट करने हैं, और ये जो कॉलम्स दिए हैं उसमें उनको लिखना है। सी फर्स्ट सेंटेंस, देयर आर मैनी क्रैप्स इन विहार लेक। तो इसमें जो क्रैप्स है ये कॉमन नाउन्स है, और ये जो विहार लेक है, ये हमने किसी लेक को प्रॉपर नाम दिया हुआ है ना, इसलिए ये प्रॉपर नाउन है। नाउ सेकेंड, रेमंड सर्कस इज कमिंग टू टाउन। तो अब बोलो ये रेमंड सर्कस क्या है, ये प्रॉपर नाउन है तो इसलिए मैंने इसको प्रॉपर नाउन्स के नीचे लिखा है, और ये जो टाउन है ये कॉमन है इसलिए मैंने इसको कॉमन नाउन के नीचे लिखा, और बाकी के सेंटेंस ये जो बचे हैं ये आपको अपने आप राइट डाउन करने हैं। ओके, नाउ सी एक्सरसाइज 2, यहाँ पे नाउन्स पिक आउट करनी है और उनको करेक्टली कॉलम्स में राइट डाउन करना है। सी फर्स्ट सेंटेंस, द रेजिमेंट वॉज रिवॉर्डेड फॉर इट्स ब्रेवरी। तो ये जो ब्रेवरी है, ओके, इट इज़ अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स इसलिए मैंने इसको इस कॉलम में लिखा है।
और ये जो रेजिमेंट है ये कलेक्टिव नाउन्स है, इसलिए मैंने इस कॉलम में इसको लिखा है। नाउ सेकंड, एयर इज नॉन फॉर इट्स ट्रांसपेरेंसी। तो जो ट्रांसपेरेंसी है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और जो एयर है वो मटीरियल नाउन है। बाकी के सेंटेंस आपको अपने आप कंप्लीट करने हैं। नाउ सी एक्सरसाइज 3। ये जो वर्ड्स दिए हैं इससे जो पजल दिया है इसको आपको कंप्लीट करना है इसकी हेल्प से। अनकाउंटेबल नाउन्स में जैसे स्नो, विंटर, कॉर्न, ओके, ये बाकी आपको अपने आप कंप्लीट कर लेना है इसमें से देखकर। नाउ उसके पास है काउंटेबल नाउन्स, फार्म, मंकी, ऑफिसर, इस तरह से आपको ये जो पजल है ये भी अपने आप कंप्लीट करना है। तो आपको होमवर्क में एक्सरसाइज 1, 2 एंड 3 आपकी ग्रामर बुक में कंप्लीट कर लेनी है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।